लिपस्टिक का क्या है, क्यों मतलब इतनी महंगी लिपस्टिक क्यों? शायद उनके पास बहुत है तो उन्होंने कहीं तो लगाना है ना। हाँ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, मतलब इतना ज्यादा लाइफस्टाइल ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव, मतलब इंसान थक भी जाता है एक तरफ अगर सोचे तो। मुकेश अंबानी की खूबसूरत पत्नी के पास वे कौन सी 5 महंगी साड़ियां मौजूद है जिसकी कीमत में लग्जरी बंगला खरीदा जा सकता है। ये दुनिया की सबसे महंगी साड़ी खरीदी थी, इस साड़ी की कीमत 40 लाख थी, जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ था और इस साड़ी की कीमत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। साड़ी का मुकाबला पाकिस्तान की GDP से करने लग गई है। साड़ी उन्होंने इतनी महंगी, 40 लाख रुपए की चाय, 40 लाख की एक दिन की साड़ी और पानी पीने वाला 40 लाख, 3 लाख रुपए का वो चाय का कप। हाँ। कमाल लाइफ और इतने में वाकई गरीब इंसान सब कुछ कर ले अपनी जिंदगी का, उनके जो लग्जरियस मतलब। मेनी कंग्रेचुलेशंस मिसेस अंबानी ऑन द लॉन्च ऑफ अ ग्लोरियस कल्चरल सेंटर। पाकिस्तान में इसको कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 18 लाख करोड़। क्या मैंने अपनी लाइफ में इतनी जबरदस्त लाइफस्टाइल किसी का भी नहीं देखा। मतलब बड़े से बड़े एक्टर्स हैं, उन बॉलीवुड स्टार्स हैं, मतलब बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन उनका भी मैंने इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं देखा जिस तरह का नीता अंबानी का देखा है। एक चीज मैंने नोटिस किया है कि अंबानी फैमिली की लड़कियां और जो वुमेन है वो सभी बहुत प्यारी हैं। जो अंबानी की वाइफ हैं और जो उनकी बहुएं भी हैं वो सभी बहुत प्यारी हैं और बहुत यू नो रॉयल सी लुक है उनकी। बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है कि नीता अंबानी जो कि अनंत अंबानी की मदर है, मुकेश अंबानी की बीवी है, उनकी पूरी साड़ी ही पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। उनकी साड़ी के जितने पाकिस्तान की GDP है, यानी कि नीता अंबानी की साड़ी पड़ी पूरे पाकिस्तान पर भारी, इस तरीके से पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। लो भाई, अभी अनंत अंबानी की प्री वेडिंग की पार्टियां पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है और पाकिस्तान में एक और रोना स्टार्ट हो गया है कि हाय नीता अंबानी कितनी महंगी साड़ी पहनी हुई थी कि उसकी साड़ी के कीमत में पाकिस्तान का पूरा GDP आ जाएगा। मतलब समझिए कि एक तरफ जब ये अनंत अंबानी की शादी की पार्टियां चल रही थी तो उस पे ये हाय तोबा मचा रहे थे कि हाय इतना महंगा शादी, मैंने तो इतने 1000 करोड़ अपनी ज़िंदगी में सुना भी नहीं है। एक तो बोल रहा था कि इतना रुपया होता ही नहीं है, 2000 करोड़, 3000 करोड़, और अब नीता अंबानी की शादी को लेकर पूरे पाकिस्तान में मैयत छाया हुआ कि इतना महंगा साड़ी कोई कैसे पहन सकता है जितना हमारे पाकिस्तान की GDP है। लड़कियाँ तो यार सदमे से बेहोश हुए जा रही है। देखिए इस वीडियो में चाय सोने की, लिपस्टिक सोने की, अच्छा मैं ये बात सोच रही हूँ हर चीज सोने में आ रही, कितना सोना होगा उसके पास, हर चीज ही सोने में है। और फिर उसके बाद वो जो कह रही थी कि पानी के अंदर सोना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पानी के अंदर भी 5% सोना है, ये सही तो नहीं है, मतलब ये तो वैसे खराब नहीं है सेहत के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि सेहत के लिए अच्छा है। सेहत के लिए आपको नहीं लगा कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ही है, मतलब इतना ज्यादा लाइफस्टाइल ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव, मतलब इंसान थक भी जाता है एक तरफ अगर सोचे तो। ठीक है, जिमी चू के जूते हो गए, शनेल के हैंडबैग्स जूते सब तक ठीक है कि बंदे को ब्रांड चाहिए, लुई विटॉन चाहिए, ठीक है, पीना भी सोना है ये, और सबसे ज्यादा कि वो चाय का कप जो है वो उसका है। और फिर एक चीज एक बार पहन लेगी, अच्छा मुझे लगा था कि कपड़े एक बार पहन लेंगी और रिपीट नहीं करेंगी, जूते भी रिपीट नहीं कर रही है। जूते तो पता कितने महंगे किसको कर रही है, किसका डोनेट कर रही है, जा किसको रहा है। हाँ सही बात है, या फिर ये तो सारे कलेक्शन बना रही है, या फिर वो वापस चली जाती होंगी, लाइक ब्रांड्स के कपड़े हैं। नहीं 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 नहीं, वो सेलिब्रिटी नहीं है, ये सेलिब्रिटी करते हैं कि पहन के भाड़े के कपड़े वापस कर देते हैं। फिर उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास बहुत कुछ है, और उनका मुझे लग रहा है कि जो मेकअप वगैरह है वो पूरा एक रूम होगा जिसमें मेकअप हाँ। होगा, क्योंकि इतना मेकअप तो उनके पास होगा। फिर जूतों का पूरा एक वो होगी, और कपड़ों के तो एक नहीं होगा, पूरा फ्लोर होगा, पूरा फ्लोर एक होगा। वो बंदी जो है वो शाहरुख खान उससे मिल रहा था ऐसे झुक झुक के, मतलब यार सेलिब्रिटी उससे मिल रहे हैं और उसके इवेंट में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स आ रहे हैं, क्या ही होगी वो। अच्छा लिपस्टिक का क्या है, क्यों मतलब इतनी महंगी लिपस्टिक क्यों, कोई होगी लॉजिक उनके, या फिर शायद उनके पास बहुत है तो उन्होंने कहीं तो लगाना है ना। हाँ वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर रही है, बहुत ही एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है। इतना पैसा इनके पास इस वक्त है ना, नीता अंबानी जी के पास पूरा भारत जो है वो अमीर हो सकता है, मतलब मिडिल क्लास में पूरा हो सकता अगर है। भारत पे कर्जा ना तो इनको उतार दे। कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की बीवी ने जितनी महंगी साड़ी पहन रखी है वो तो पाकिस्तान की टोटल GDP है। हम तो कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत है। नहीं, भारत में गुर्बत नहीं है, भारत में
गुर्बत तो है मगर उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है ना, 1.5 अरब की आबादी है और उसमें गुर्बत होना जितनी गुर्बत है मगर उन्होंने तरक्की बड़ी की है, उन्होंने टेक्नोलॉजी में आईटी में बहुत आगे हैं जा रहे, उनके एक्सपोर्ट बहुत है, उनका देखें सारा कुछ ही हमसे आगे है, उसका हमसे कोई मुकाबला नहीं है। भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और आप उसकी साड़ी लेके बैठ गई हैं, इतनी साड़ी है, साड़ी लेके बैठ गई, बजाय खुद तरक्की हमारी हो नहीं रही, हम उसकी साड़ी भी लेके बैठ गए हैं। साड़ी उन्होंने देखे कैसे बनाई है, उनकी कितने सालों की मेहनत है, जो भी है वो इतने अमीर हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान वो इंडिया को वो दे रहे हैं, देखे मैन पावर भी उनके पास है, उनकी फैक्ट्रीज में काम भी करने वाले बड़े हैं। इस वक्त उनका GDP क्या हमारा और उनका क्या मुकाबला, आप उसका साड़ी का मुकाबला पाकिस्तान की GDP से करने लग गई हैं। साड़ी उन्होंने ये पहन रखी थी कि हमारी पूरी GDP बनती है, मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी हुकूमत चाहे तो, हमारी हुकूमत ही नहीं चाहती तो हम किसी का मुकाबला कैसे करें। पहले उनकी एक साड़ी का तो मुकाबला कर ले। उनकी साड़ी का मुकाबला भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, कैसे? अवाम ने, गवर्नमेंट ने अवाम को गरीब किया हुआ है। अच्छा, अगर अवाम अमीर हो जाएगी, अखराजात पूरे हो जाएंगे तो सभी खर्चे पूरे हो जाएंगे, उनकी साड़ी का क्या, उनके घर तक भी मुकाबला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, कैसे करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम कर लेते हैं, आज तक 75 सालों में ऐसे हमने कोई कारनामा नहीं किया। जो मेहनती इंसान होता है ना वो सब कुछ कर सकता है। अभी हम भारत के मुकाबले पर हैं क्या, हमसे क्यों आगे निकल गए इतना ज्यादा कि आज उनकी एक शादी, आज उनका एक बिजनेसमैन हमारे पूरे पाकिस्तान पे भारी पड़ा हुआ है। ये तो हमारी हुकूमत ही जानती है कि मानती है वो हमसे आगे हैं। नहीं, आप नहीं मानती। नहीं मानती। क्यों नहीं मानती, क्यों हम उनसे आगे हैं? कैसे, क्यों? हमारा पाकिस्तान सोने की एक चिड़िया है। सोने की चिड़िया, सोना कहाँ है मुझे बताएं। क्यों नहीं है, नजर क्यों नहीं आ रहा, आता है क्यों नहीं आता, ये हुक्मरानी नहीं चाहते। ये हम हमेशा कहते हैं ना कि भारत से आगे निकलना है, भारत पे बम फेंकना है, दिल्ली में जाकर नाश्ता करना है, गजवा हिंद करनी है, तो मुझे ये बताएं कि हम उनको कैसे कम्पीट करें, हम तो उनकी एक शादी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हमारा पाकिस्तान सबके लिए है। अच्छा। तो हमने कभी भी किसी को मना नहीं किया। तो ये पाकिस्तान सबके लिए है, सबके लिए, सब सब आ जाते हैं, क्योंकि हम किसी को भी नहीं कहते, जैसे ये कि हम बाहर के मुल्क चले जाएं, ये हमारा जो क्या कहते हैं वो हो पासपोर्ट, पासपोर्ट, उसके अलावा हम किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते। तो हमारे पासपोर्ट देखते ही वो अगले हमें वीजा देने से इनकार कर देते हैं। कर देते हैं, क्यों? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि भारत वाकई हमसे आज आगे निकल गया आपकी नजर में? नहीं मैडम जी। यार, झारखंड में जो घटना हुई है फॉरनर ब्लॉगर के साथ, वो बेहद ही शर्मनाक चीज है। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर हमेशा यही चीज दिखाया जा रहा है कि भारत में इस तरह का कुकृत होता है और लोग छुपा के रखते, सिर्फ एक गलती, सोचो सिर्फ एक गलती के लिए वो मतलब पलके बिछाए बैठे रहते हैं कि भारत से कोई ऐसी एक खबर आए जिस पे हम अपना TRP बटोर ले और पूरे विश्व स्तर पर भारत को बदनाम कर सके। हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे यही कहानी चल रहा है जो झारखंड में हुआ था। हालांकि पाकिस्तान में रोज ऐसी घटना हिंदुओं के साथ वहां पे होता रहता है जिसके बारे में वहां का मेन स्ट्रीम मीडिया एक बार भी जिक्र नहीं करता है, और भारत में इतने अच्छे काम होते हैं उसके बारे में एक बार भी जिक्र नहीं करता, और एक बार इसको मौका मिला कि भारत को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम कर दो तो वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हर एक मेनस्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। अब जो भी है इस पे कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये जो हुआ है ना ये बेहद शर्मनाक है। बाकी पाकिस्तानियों पे आपका क्या कहना है, जो नीता अंबानी की साड़ी पे इनका जो भी रिएक्शन था उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।